हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अपने घरों में ठीक और स्वस्थ होंगे। आज हम आए हैं प्रनाउन सोलर की नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सोलर बैटरी और नॉर्मल बैटरी में क्या फ़र्क होते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहे इस पूरी वीडियो में और जानें कि दोनों में क्या क्या फ़र्क हैं। तो दोस्तों, आइए कंपेयर करते हैं एक सोलर बैटरी और एक नॉर्मल बैटरी को, और इनके बारे में और अच्छे से जानते हैं, ताकि हम ये जान पाएँ कि दोनों में क्या क्या फ़र्क हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी जनरल है और सभी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों, बैटरी से आप यही समझ रहे होंगे कि हम कहीं पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके और बाद में ज़रूरत पड़ने पर उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी बैटरी के अंदर सेव्ड, और जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसे तब अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये भी समझ सकते हैं इसे कि बैटरी का काम हमें इलेक्ट्रिक बैकअप देने का होता है। और दोस्तों, हम बैटरी के कई तरीके के अप्लायंसेस को चला सकते हैं। और दोस्तों, बैटरीज के अंदर आ जाते हैं नॉर्मल बैटरी और सोलर बैटरी। तो आइए दोस्तों, इन दोनों के बारे में एक एक करके बात करी जाए। दोस्तों, अगर हम नॉर्मल बैटरी की बात करें तो हम समझ सकते हैं कि जब हम अपने घर में नॉर्मल इन्वर्टर या UPS लगवा रही हैं तो उस समय नॉर्मल बैटरी को यूज़ किया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ, अगर हम अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवा रही हैं तो हमें उस समय सोलर बैटरी का यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों, इन दोनों में मेन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इसके 3 या 4 डिफरेंस होते हैं। तो चलिए उन्हें डिस्कस किया जाए। तो दोस्तों, पहला डिफरेंस है कि दोनों के बैटरी लाइफ का, तो अगर हम नॉर्मल बैटरी की लाइफ की बात करें तो इसकी एवरेज लाइफ 4 से 6 साल के बीच में ही होती है, और इसका वारंटी पीरियड भी हमें लगभग 3 साल तक का मिल जाता है। और वहीं अगर हम सोलर बैटरी की बात करें तो इसकी लाइफ होती है लगभग 5 से 8 साल के बीच में, और अगर हम इसकी वारंटी की बात करें तो हमें 5 साल की वारंटी पीरियड देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आगे चलते हुए इन दोनों के बीच में दूसरा डिफरेंस यही है कि इनकी बैटरी लाइफ कितनी होती है। अगर हम नॉर्मल बैटरी की लाइफ की बात करें तो इसकी एवरेज लाइफ 4 से 6 साल के बीच में होती है, और इनका वारंटी पीरियड भी हमें लगभग 3 साल तक का मिल जाता है। और वहीं अगर हम सोलर बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी लाइफ लगभग 7 से 8 साल के बीच में होती है, और अगर हम इसकी वारंटी पीरियड की बात करें तो हमें 5 साल की वारंटी पीरियड मिल जाती है। और दोस्तों, आगे चलते हुए, तो दोस्तों, नॉर्मल बैटरी होती है C20 रेटिंग की, और दूसरी तरफ जो हमारी सोलर बैटरी होती है वो होती है C10 रेटिंग की। और दोस्तों, मैं आपको यह भी बता देना चाहूँगी कि ये जो हमारी C10 की बैटरी होती है वो C20 की बैटरी से ज़्यादा पावरफुल होती है। मतलब कि यहाँ पर आप सिर्फ नंबर देखकर अंदाज़ा ना लगाएं कि C20 की ज़्यादा पावर होगी। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं जिनसे हमें इनकी पावर का अंदाज़ा होता है। और अब इसका मतलब यह भी निकल कर आया है कि आप C10 वाली बैटरी से ज़्यादा अप्लायंसेस भी जोड़ सकते हैं और इसको ज़्यादा जल्दी चार्ज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे सबसे मेन डिफरेंस नॉर्मल बैटरी और सोलर बैटरी के बीच में। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि घर में आप कौन सी बैटरी को यूज़ करें, नॉर्मल बैटरी या सोलर बैटरी। तो दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, हम आपको यह भी यहाँ अपनी इस ही वीडियो में समझाएंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी सिंपल है। तो चलिए जानते हैं दोनों के डिफरेंस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर में 3 से 5 साल से पहले ही एक सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं तो आप सोलर बैटरी ही लगवाइए, क्योंकि यदि आप आगे चलकर घर पर सोलर पैनल लगवाते हैं तो यह उसके इस्तेमाल में आएगी। ऐसी बैटरी चाहिए होगी जो ज़्यादा एम्पियर से चार्ज हो जाए। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने घर पर आने वाले 3 से 5 साल के बीच में सोलर पैनल लगवाने का कोई विचार नहीं है तो आप अपने घर में नॉर्मल बैटरी ही लगवा लीजिए,
क्योंकि दोस्तों एक नॉर्मल बैटरी की लाइफ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती और वो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस। और दोस्तों एक और बात, अगर आप सोलर बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी आ जाता है इन्वर्टर, क्योंकि बैटरी की चार्जिंग स्पीड टू इन्वर्टर पर ही डिपेंड करती है। और दोस्तों इसके बाद अगर हम आते हैं इन दोनों के प्राइस पर, तो दोस्तों नॉर्मल बैटरी का प्राइस सोलर बैटरी से कम होता है। एक नॉर्मल बैटरी हमें मिल जाती है लगभग 10,000 तक की, और वहीं सोलर बैटरी दोस्तों हमें मिल जाएगी लगभग 14,000 से 15,000 तक। तो दोस्तों अब हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि एक नॉर्मल बैटरी और सोलर बैटरी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, और आप ऑनलाइन भी काफ़ी बैटरीज के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, और अगर कोई भी दिक्कत या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नहीं तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपका एक्सपीरियंस। धन्यवाद।